सारे डस्ट पाएगा मुंह में। कुछ है नहीं अजू खाने को? नहीं, कितना अच्छा कुत्ता है बच्चा। धूप में कहाँ बैठा हुआ? क्या बोलते इसको, कुछ लगाया हुआ ये? पता नहीं क्या चीज है। ये कीवी वाला फ्रूट है जो कीवी हम खाते हैं, उसका बेली लगी हुई, उसका झाड़ लगा हुआ चारों तरफ को, और ये रास्ता जाता है मामा जी के घर को। कैसे होती है? तो आगे चल जाना वहाँ पे। और गांव में देखो कैसे पशु को पालते हैं, कितने अच्छी उनके लिए खाने का इंतजाम किया हुआ। इसमें उनको खाने के लिए तूड़ी वगैरह डालते हैं। और ये यहाँ पे बाहर धूप की जगह बनाई पशु के लिए, और उधर छाया में बांधने के लिए बनाई हुई रास्ते के साथ। बहुत अच्छा गांव है। वाओ कितने अच्छे फूल। बड़ी मुश्किल से चला जा रहा है मेरे से। ऐसे बोल रही थी मैं अम्मा को, वैसे ऐसे तो अपने मंजिल को जो ऊपर को ना ऐसे करना, ऐसे ऐसे होटल नहीं है, फ्लैट बिक रहे हैं। यहाँ तो मैंने वो पशु चारे हुए मामीर के साथ घास लेने जाते थे हम यहाँ पे।
ये मेरे छोटे मामा जी का घर है, ये किचन है उनकी, छोटे मामा जी की मेरे। और देखो कितनी अच्छी किचन बनाई हुई है इन्होंने, और चूल्हा भी कितना अच्छा है। इनके घर में भी बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है। ये मेरी छोटी मामी जी है, मैं बोल रही थी कि ये मेरी छोटी मामी जी है। ये यादें ही होती है जिसको मैं सपेट के रखना चाहती हूँ। और ये इनका हॉल है बाहर का, और इनके पोता भी साथ में खड़ा हुआ। और ये इनके बड़े वाले बेटे का रूम है, बच्चों के खिलौने कितने अच्छे अच्छे रखे हुए। बहुत अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने अपना घर। कितना अच्छा बनाया हुआ सारा कुछ। ये दूसरा कमरा मेरे मामा मामी का है। ये जो बीच वाले हैं मेरे मामा जी छोटे छोटे हैं, ये छोटे वाले मामा जी है, इनकी डेथ हो चुकी है जो पहले नंबर पे हैं, काले कोट वाले मामा जी, इनकी डेथ हो चुकी है। ये इनका घर है, ये जहाँ उंगली लगा रही हूँ, जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मामी जी है इनका पोता, और ये मेरे राजीव है, चारों तरफ का इनका खेत दिखाई दे रहे हैं। ये चींटियाँ निकली हुई थी तो मैं ये दिखा रही थी कि किस किस के पास ऐसी चींटियाँ निकलती हैं, बहुत डेंजरस चींटियाँ।